दोस्तों आज यानी कि 8 मई 2022 के दिन मदर्स डे के साथ साथ वर्ल्ड थैलीसीमिया डे भी है। थैलीसीमिया एक परमानेंट ब्लड डिसऑर्डर है जो जेनेटिक होता है। यह बीमारी माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन बढ़ती चली जाती है, होती चली जाती है, ट्रांसफर होती चली जाती है। इस बीमारी में मरीज के ब्लड में रेड ब्लड सेल्स नहीं बन पाते, जिस वजह से मरीज के शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है और वो एनीमिया से ग्रस्त हो जाता है। उन्हें जिंदा रहने के लिए हर 2 से 3 हफ्ते के अंदर ब्लड चढ़वाने की जरूरत पड़ती है। इस बीमारी के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए हर साल 8 मई को वर्ल्ड थैलीसीमिया डे मनाया जाता है। तो आखिर इसके लक्षण क्या होते हैं? इसमें हमेशा सर्दी जुकाम बना रहता है, पेशेंट हमेशा बीमार महसूस करता है, सांस लेने में तकलीफ होती है और शरीर में कमजोरी और दर्द रहता है। इसके अलावा दांतों का बाहर की ओर आ जाना और एज के अकॉर्डिंग ग्रोथ ना होना, मतलब शारीरिक ग्रोथ या शारीरिक विकास ना होना, शरीर का पीला पड़ना आदि ये सब लक्षण है। तो हम इसके बारे में बात करते हैं कि ये कब से मनाया जाता है। साल 1994 में पहली बार वर्ल्ड थैलीसीमिया डे मनाने पर विचार किया गया था। इसी साल थैलीसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन ने 8 मई के दिन को थैलीसीमिया के मरीजों के नाम डेडिकेट किया था और इस बीमारी से जूझ रहे रोगियों के संघर्ष के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए इस दिन की स्थापना की गई थी। थैलीसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में अधिकतर लोगों में जागरूकता यानी कि अवेयरनेस का अभाव है। इस बीमारी की वजह, लक्षण और मरीजों की समस्याओं के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से ही इस दिन हर साल यह खास दिन मनाया जाता है। 8 मई के दिन पीड़ितों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए समर्पित डॉक्टरों, चिकित्सा कर्मचारियों और इस बीमारी के इलाज के लिए प्रयासरत वैज्ञानिकों को भी सम्मान दिया जाता है। तो दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।